नमो नमः। पठामि संस्कृतं नित्यं, वदामि संस्कृतं सदा, ध्यायामि संस्कृतं नित्यं, वंदे संस्कृत मातरम्, वंदे संस्कृत मातरम्। अद्य पाठ शीर्षक अस्ति कादंबरी कथा मुख गद्य खंडस्य व्याख्या। निदाघ दिवसमिव सतता विभूत मृगतृष्णं, विद्याधरमिव मानसवेग, पराशरमिव योजन गंधानुसारिणं, घटोत्कचमिव भीमरूपधारिणं, अचल राजकन्यका केशपाशमिव नीलकंठ चंद्रकाभरणं, हिरण्याक्षदानमिव महावराहध्वंस्तभिन्न वक्षः, अस्थलमति रारणमिव कृत बहुबंदी परिग्रहं, पीसिताशनमिव रक्तलुब्धकं, गीतकला विन्यास निषादनुगम, अंबिका त्रिशूलमिव महिष रुधिरार्द्रकायं, अभिनव यौवनमपि क्षपित बहु वयसं कृत शारमेय संग्रहमपि फल मूलाशनम कृष्णमप्य सुदर्शनम स्वच्छंदचारमपि दुर्गैकशरणम क्षितिभृत्य पादानुवर्तिनमपि राजसेवानभिज्ञम अपत्यामिव कृतांतस्य सहोदरमिव पापस्य शारमिव कलिकालस्य भीषणमपि महासत्तया गभीरमिवोपलक्ष्यमाणम् अनभिभवणीयाकृतं मातंगनामानं सबरसेनापतिपरायं। सबरसेनापति का वर्णन है। प्रसंग अस्ति प्रसिद्ध गद्य खंडे महाकवि वानभट्टा। सुकेशस, सुकेशस्य मुखेन, सुके मुख के, सुके द्वारा, सुके मुख से सेनापत्या शारीरिक सौष्ठम प्रस्तौति, सेना सवर का शारीरिक सौष्ठव प्रस्तुत किया है। व्याख्या अस्ति निदाघ दिवसम ग्रीष्म दिवसम इव सत्ता विभूत मृग कृष्णं, सत्तम निरंतरम आविर्भूता प्रादुर्भूता शलिर भ्रमा यस तम पक्षे सततम, आविर्भूता मृगेश हरिणेशु कृष्णा हननिभिलाषः, यस्य तम विद्याधरमिव देवयोनि विशेषम्। तव मानस वेगम मानेन अहंकारेण सवेग वेग सहितं तीव्र गति सहितं, अथवा मानसस्य मानसः इव वेगः जपः जवः, यस्य तं पराशरमिव व्यास जनक मृषि विशेषमिव योजन गंधानुसारणि योजन गंधा धीवर कुमारी सत्यवती ताम अनुसरति अनुरुणद्धि तच्छीलं पक्षे योजनात कोष चतुष्टच्छी चतुष्टयात गंधम आखेट पश्चाद मोदम अनुसरतीति भीम रूप धारणे भीमसेनस्य रूपं धारयति भीमा भयंकर यत रूपं आकारं तद्धारणशीलं अचल राजकन्यका अचल राजकन्यराजस्य पर्वतराजस्य हिमालयस्य कन्यका कुमारी पार्वती तस्या केशपाशमिव कचकलामिव नीलकंठ चंद्रकाभरणं नीलकंठस्य शिवस्य चंद्रकः चंद्रः हिमांशु स एव आभाभरणं यस्य तं हिरण्याक्षदानमिव हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपुसोदरः सचार असौ दानवा दान दनुपुत्रः तम इव महावराह दंष्टभिन्न वक्षस्थलम्। महावराहस्य आदिवराहस्य श्रीविष्णोः स्त्रियतावतारस्य दंष्टाभि विशालदशनै विभिन्नं विदारितं वक्षस्थलम्, यस्य तं पक्षे महावराहाणां विशालवनसु सूपराणां दंष्टाभि विशालदशनैः विदारितं विदारितं विभिन्नं विदारितं वक्षस्थलम्, अतिरागणमिव अतिशय विषयाभिलाषणमिव कृत बहुबंदी परिग्रहं, कृतः विहिता पीषितं मांसं आशनं भक्षणं, यस्य तं मांसभक्षणमिव रक्तलुब्धकं रक्ते रुधिरे लुब्धकं लोलुपं पक्षे रक्ताः अनुरक्ताः व्याधा यस्मिन् तं गीतकला विन्यास
मिव गान शिल्प विशेष स्थितमिव निषादानुगमम निषादेन सड़जा विश्वरूप वान्य सड़जा विश्वरान्यत मेन अनुगतम अनुसृतम पक्षे निषादेह मातंगे चांडाल धीवर अनुगतम अंबिका त्रिशूलमिव अंबिकायाः गौर्याः दुर्गा देव्याः यत त्रिशूलम शास्त्र विशेषम विशेषम शस्त्र विशेषम तद इव महिष रुधिरार्ध काय महिषस्य एकान्नमक एकान्नमकस्य असुरस्य रुधिर मात्र क्लिन्नः कायम शरीरम अभिनव यौवनमपि यस्य तं तादृशमपि क्षपित बहु वयसं क्षपितानि क्षयीकृतानि वयतितानि बहूनि वयांसि बाल्ययौवनाद्यवस्था येन तं तादृशं कृत शारमेयं संग्रहमपि विहिता शराणां घनानां मेयानां परिमातुं योग्यानां शस्यानां अन्नादीनां च संग्रह एकत्रीकरणं एतं तादृशमपि परिहार पक्षे कृतः शारमेयानां शुनान संग्रहो कृष्णमप्यसुदर्शनं विरोध परिहार पक्षे श्याम वर्णनम असुदर्शनम सुंदर दर्शन रहितम भयंकर मीति भाव स्वच्छंदचारमपि स्वच्छंदेन संचरण गमनस्य यस्य तं तादृशमपि दुर्गेक शरणं दुर्गस्थानं क्रियादिकम् एव एकमात्रं शरणं रक्षणस्थानम् अत्रापि विरोध परिहारस्तु दुर्गा गौरी एव क्षिति भृत्यादि मुवर्तनिमपि पृथ्वीं पुष्णाति इति क्षिति भृत राजा तत्पादौ अनुवर्तते अनुसरति तच्छील इति तं तादृशमपि तथा विरोधपि राजसेवानभिज्ञं नृप परिचय परिनिप परिचर्यायाम आज्ञान आज्ञाकारं अत्रापि विरोधपि परिहार पक्षे क्षितिं पृथ्वीं धारयति इति क्षितिभृद् पर्वत तस्य पादः प्रत्यंत प्रत्यंत पर्वता तान् अनुवर्तते तच्छीला तम अतएव राजसेवा अनभिज्ञम् अपत्यमिव संतानमिव विंध्याचलस्य एताख्यस्य पर्वतस्य अंशकावतारमिव एकभागावतारम् इव कृतान्तस्य यमराजस्य पापस्य कलुषस्य पापस्य कलुषस्य सह सहोदरमिव सोदरामिव जीवानाम तीव्रयाता तीव्रयातना विधायित्वात् कलिकालस्य सारमिव कलियुगस्य स्थिरां सतम इव भीषणं भयानकम् अपि महासत्तया उदात्तस्वभावत्वेन प्रबलोत्साहतया गभीरमिव अस्फुटासैमिव उपलक्ष्यमानं परिदृश्यमानं अनभीव भनियात्कृतम् अभिभवितुं तिरस्कर्तुम् अशक्या अशक्ति विषया आकृति आकारा यस्य तं तादृशं मातंगनामानं मातंगसंज्ञकं शवरसेनापतिं शवरसैन्याध्यक्षम् अपश्यं व्यालोकयम् अस्मिन् गद्ये उपमालङ्कारा उत्प्रेक्षालङ्कारा श्लेषालङ्कारा विरोधाभासादिलङ्कारस्य प्रयोगः सन्ति नमो नमः पुनर्मिलामः जयतु संस्कृतम वदतु संस्कृतम कोरोना हारेगा भारत जीतेगा और मास्क का सर्वदा छात्रों प्रयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग बना कर रहें परीक्षा की तैयारी मन लगा कर करें और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें जयतु संस्कृतम।